Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. In today's lecture, I'm going to discuss with you the model questions for your upcoming GATE, which has been released by Bombay IIT. There are three types of questions they will ask in your upcoming GATE exam. So, isme first rahega numerical, or second rahega MSQ means multiple selective questions. इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा. और जो MCQ रहेंगे, वन मार्क्स MCQ, उसके लिए 1/3 डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग आता है तो. और सेम 2 मार्क्स MCQ, 2/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए MCQ के लिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Question first to question 12 or MCQ where only one answer is correct. Each question carries 1 marks. इसमें खाली एक ही answer correct होगा और each questions 1 marks के लिए रहेगा. तो question first है, the book Madness and Civilization was written by whom? Answer is Michael Foucault. याद रखना कि ये book 1960 में release हुआ है. माइकल फूको जो फ्रेंच फिलोसोफर है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द अपिको मूवमेंट इज रिलेटेड टू एन एनवायरमेंटल मूवमेंट. देखो फ्रेंड्स, अपिको मूवमेंट जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो एक ध्यान में रखना कि अपिको मूवमेंट 1983 में युवक मंडली जो कर्नाटका में है, इन्होंने स्टार्ट किया था वेस्टर्न घाट को सेव करने के लिए. ठीक है, वेस्टर्न घाट के जो ट्रीज है उनको सेव करने के लिए ये मूवमेंट कर्नाटका में 1983 में स्टार्ट हुआ था. तो ये जो मूवमेंट है ये इंस्पायर हुआ था चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन जो 1973 में हुआ था उत्तराखंड में. इसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा. ये पॉइंट आप नोट करके रखिए क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हैबिटस इज अ कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज पेरे बोर्डियो. ही वाज फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट. ही आल्सो गिवन सम अदर कॉन्सेप्ट लाइक फील्ड, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, सिंबॉलिक वायलेंस. जब हम डिटेल में एक एक करके थिंकर्स को पढ़ेंगे तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 4, द लॉ इन इंडिया दैट डील्स विद इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियन मैरिजेस इनएक्टेड इन 1954 इज. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज द स्पेशल मैरिज एक्ट. दोस्तों, एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब हुआ है. तो इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट एक्ट जिनके ऊपर आज तक NTA नेट या सेट इन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट एक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो पहला है स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में आया था. उसके बाद है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था. उसके बाद है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था. उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसे हम हमा भी कहते हैं. और उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था. और उसका अमेंडमेंट
1986 में आया था। तो इसे याद रखने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, समा हिम का था इसीलिए हमा हसा। समा यानी कि मौसम, हिम यानी कि बर्फ, समा हिम का था ठंडा ठंडा इसीलिए हमा हसा। तो देखो कैसे यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। समा यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट, यहाँ पे जो लिखा है मैंने समा, समा स्पेशल मैरिज एक्ट HMA, यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट, हिम समा हिम का था इसलिए हमा हंसा। हमा और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक साथ ही आए हैं इसीलिए मैंने इनको एक साथ ही लिखा है। खाली इतना दूसरा याद रखना है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960 में बना था, तो उसका अमेंडमेंट 1986 में बना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन इनकम्पैटिबल रोल डिमांड्स आर प्लेस्ड ऑन अ पर्सन बाय टू और मोर स्टेटसेस विथ अटैच्ड रोल्स हेल्ड एट द सेम टाइम इट इज रेफर्ड टू एज। टेक योर टाइम। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आप आराम से और ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें व्हेन इनकम्पैटिबल रोल डिमांड आर प्लेस्ड ऑन अ पर्सन बाय टू और मोर स्टेटसेस विथ अटैच्ड रोल हेल्ड एट सेम टाइम इट इज रेफर्ड टू एज। जब दो स्टेटस, दो और उससे ज्यादा स्टेटस और उससे रिलेटेड रोल अगर आपके सामने आते हैं तो क्या होता है? दो ही काम अगर आपको एक साथ करने हैं तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो स्टार्ट में इन्होंने ही दिया था व्हेन इनकम्पैटिबल रोल। इनकम्पैटिबल का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्रेडिक्टरी भी आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा रोल कॉन्फ्लिक्ट। इजी क्वेश्चन है लेकिन जो आराम से पढ़ते हैं ध्यान लगा के तो उनके समझ में आएगा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट स्टडीड व्हाई सम पेजेंट मूवमेंट्स आर पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस व्हाइल अदर्स वेयर इंसुरेक्शनरी और रिबेलियस। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज डीएन धनागरे। डीएन धनागरे वॉज ए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बिलोंग टू महाराष्ट्र, स्पेशलाइज्ड इन फार्मर्स मूवमेंट एंड रूरल सोशियोलॉजी। इनका एक बुक है बहुत ही फेमस है, इसके ऊपर तकरीबन 7 या 8 बार क्वेश्चन एनटीए नेट ने पूछा है। इस बुक को आप नोट कीजिए, पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया 1920 to 1950। क्वेश्चन नंबर 7, कंसेग्यूनल अफिनल एंड सोशल आर टाइप ऑफ। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज किनसी। कंसेंग्यूनल जो रिलेशन जो रहता है वो ब्लड रिलेशन यानी कि भाई बहन ये, एफिनल रिलेशन ज्वाइंट बाय मैरिज, शादी से जो रिलेशन बनते हैं उनको एफिनल रिलेशन कहा जाता है, एंड सोशल रिलेशंस कोई रोटरी क्लब हो या गांव या ट्राइबल में जो लोगों का लगाव होता है एक दूसरे के बीच जो घनिष्ठता रहती है उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं सोशल रिलेशंस।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, विथ विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर एंड पेरिफेरी एसोसिएटेड. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. दिस थ्योरी इज गिवन बाय इमैनुअल वॉलरस्टेन. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी गिवन बाय इमैनुअल वॉलरस्टेन. प्लीज इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो बेसिकली इस थ्योरी ने ये प्रूव करने का प्रयास किया है कि ग्लोबल इनइक्वलिटी कैसे हो गई है. कोर कंट्रीज, पेरिफेरल कंट्रीज और सेमी पेरिफेरीज की जो कंट्री है, इनके बीच इन्होंने, इमैनुअल वॉलरस्टेन ने बताया कि कोर कंट्रीज जो है हाई प्रॉफिट कंजम्पशन. गुड. कोर कंट्रीज यूएसए होगा, रशिया होगा या यूरोप की कंट्रीज होंगी. ये जो जिसे हम अपने इतिहास में अगर हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि ब्रिटिश हमारे पास से कच्चा माल लेके जाते थे, ठीक है, उसे रॉ मटेरियल कहते थे, और पक्का माल करके फिर रिटर्न इंडिया को ही भेज देते थे. तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन जो पेरिफेरल कंट्रीज का होता था इसमें, और ज़्यादा बेनिफिट कोर कंट्रीज को होता है. तो इन्होंने, वॉलरस्टेन ने सिंपली ये बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज हो या इंडिया हो, ये पेरिफेरल कंट्री है. इन कंट्रीज से रॉ मटेरियल डेवलप्ड कंट्री लेके जाते हैं, और जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट होंगे और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रिटर्न फिर पेरिफेरल कंट्रीज को ये सेंड करते हैं. तो इसमें पेरिफेरल कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन होता है और कोर कंट्रीज इससे बेनिफिट होती है. और दूसरा एक इन्होंने दिया है कि सेमी पेरिफेरी. तो इसमें कुछ कंट्री ऐसी होती है कि जो पेरिफेरी और कोर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इनमें इंक्लूड होते हैं. इस टाइम पे अभी इंडिया को भी हम सेमी पेरिफेरी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनसे इंपोर्ट करता है, और बहुत सारी चीज़ें अपनी हेलीकॉप्टर हो या और फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयां हो, वो इंडिया दूसरे कंट्रीज को सेंड करता है, एक्सपोर्ट करता है. तो ये इजी थ्योरी है और इंटरेस्टिंग भी है. अगर इससे आप एक बार अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना ईजी है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर. देखो, मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये जो बुक लिखा है, तो इस बुक के द्वारा उन्होंने ये बात कही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी शुरुआत प्रोटेस्टेंट जो फिलॉसफी है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है. और उसने ये कहा है कि चाइना और इंडिया ये कंट्रीज बैकवर्ड क्यों रहे, इसके पीछे इसने ये स्टडी किया है कि ये जो कंट्रीज जो है, इनकी जो इथिक्स है इन कंट्रीज में, वो मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करते. यानी कि पैसे के पीछे ये कंट्रीज की फिलोसॉफी जाती नहीं है, एक स्पिरिचुअलिज्म के पीछे ये कंट्रीज की फिलोसॉफी जाती है. तो इसीलिए इस कंट्रीज के लोग भी फिलोसॉफी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि पैसे को. इसीलिए ये कंट्रीज बैकवर्ड रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो हुई है इसके पीछे आइडियोलॉजी है. जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं इनकी आइडियोलॉजी से प्रेरित
ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेसा एक्ट स्टैंड फॉर, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। देखो फ्रेंड्स, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, 9th पार्ट इसमें ऐड किया गया था, ठीक है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था जो म्यूनिसिपॉलिटी से बिलोंग करता है, और 9A में उसको इंक्लूड किया था। तो इस एक्ट के द्वारा इंडिया में पंचायती राज का प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो फिर भी जो फिफ्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिफ्थ शेड्यूल, उसमें 10 स्टेट आते हैं, 10 शेड्यूल एरियाज आते हैं। तो इन 10 स्टेट शेड्यूल एरियाज में जो डोमिनेंट है ट्राइबल कम्युनिटीज है, तो इनमें इनको लागू नहीं किया गया था, किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को। तो इसीलिए इन 10 स्टेट शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज एक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए ये एक्ट बना गया था 1996 में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव थ्योरीज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की ऑफ रेशन इन अनइक्वल पावर रिलेशंस। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव थ्योराइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की ऑफ रेशन एंड अनइक्वल पावर रिलेशन। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। देखो फ्रेंड्स, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, जब भी क्वेश्चन आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर पूछा जाएगा, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब इतना ही होता है कि सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं जो अपने बॉडी पार्ट है उसी की तरह, जैसे अपना पाँव, हाथ, आँख, नाक, जो अलग अलग फंक्शंस अपने बॉडी पार्ट के जैसे काम करते हैं, ठीक वैसे ही समाज में पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, बिजनेस सेक्टर होगा, आर्ट एंड कल्चर होगा, या फैमिली होगी, या एनजीओ होगा, हर कोई जो इंस्टीट्यूशन से समाज में अगर बॉडी पार्ट की तरह एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, यह फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बताता है। इट्स सो सिंपल। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट ढूंढता है, इतना बस आप याद रखिए। तो इसमें ये लिखा है कि हायरार्की होगी तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट वहां से इमर्ज होगा ही, फिर ऑपरेशन एंड अनइक्वल पावर रिलेशन रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वहां से इमर्ज होके ही आएगा। सिंपल है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए हार्ड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑनर किलिंग एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड रियफर्म द कलेक्टिव कंसाइंस इन द फेस ऑफ एक्ट्स विच क्वेश्चन इट्स सैंक्टिटी। दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट इज मोर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिडेरिटी। टेक योर टाइम।
The करेक्ट आंसर इज मैकेनिकल. देखो फ्रेंड्स, इमैनुएल दुर्खाइम जो बहुत ही फेमस समाजशास्त्रज्ञ है, उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे. मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता है कि बॉन्डिंग जो है लोगों के बीच में, वो बॉन्डिंग बहुत ही टाइट बॉन्डिंग होती है. जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप देखेंगे या विलेजेस में आप देखेंगे कि बॉन्डिंग एक दूसरे के बीच बहुत ही टाइट होती है. और दूसरा उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, तो इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इसमें एग्जांपल पेश किया हमारे सामने. तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी है, फ्रीडम है, आप जो चाह बिजनेस कर सकते हैं, आप जैसे आपको लगे वैसे कपड़े पहन सकते हैं, जो आप अगर कोई प्रोफेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं. यानी कि इस सोसाइटी में आपको फ्रीडम है. लेकिन बॉन्डिंग इसमें किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं रहता. जैसे कि शहरों में आप देखेंगे तो बेसिकली किसी का भी किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता. लेकिन गांव का ट्रेडिशन जो है वो एक दूसरे से लोग कनेक्टेड रहते हैं, सुख हो या दुख हो, हर चीज में एक दूसरे से लोग कनेक्टेड रहते हैं. तो ऑनर किलिंग भी, ऑनर किलिंग की अगर हम बात करेंगे तो ऑनर किलिंग क्यों होता है, बेसिकली मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है. अगर कोई लड़की, बेसिकली हरियाणा में ये चीज़ें होती है, अगर कोई लड़की अपर कास्ट की लोअर कास्ट के साथ अगर भाग जाती है और या इंटर कास्ट मैरिज होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो इंडिविजुअल को ये लगता है कि मेरी जो प्रेस्टीज है, मेरा जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो पूरा चला गया. तो इस चीज को लेके वहां पे ऑनर किलिंग मोस्टली हो जाती है. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में एक दूसरे का किसी से कोई रिलेशन नहीं रहता, इसीलिए ऑनर किलिंग ये जो चीजें है वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में नहीं आती, ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में आती है. क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 20 आर एमसीक्यू टाइप, वेयर वन और मोर आंसर आर करेक्ट, ईच क्वेश्चंस कैरीज वन मार्क्स. एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, इसमें दो आंसर करेक्ट होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13, फोकवे एंड मोर्स आर, टेक योर टाइम. The correct answer is Fouquet and Moore's are informal or unwritten rules of a society and informal norms of a society. Fouquet और Moore's ये जो concept है, ये दोनों ही concepts William Graham Sumner इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं. बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पूछते हैं कि फोकवेज एंड समवन, फोकवेज एंड मोर्स इंट्रोड्यूस बाय हुम, तो इसका आंसर रहेगा विलियम जी समनर. क्वेश्चन नंबर 14, इन हिज बुक डिस्टिंक्शन ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, बॉर्ड्यू स्टेट्स that the consumption field is a site of struggle over the definitions of different type of culture. These include legitimate culture and, take your time, the correct answer is Middlebrow culture.
एंड पॉपुलर कल्चर. डिस्टिंक्शन ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ए बुक जजमेंट ऑफ टेस्ट ए बुक 1981 में आया है. प्लीज नोट डाउन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 15. Which of these are not parts of Talcott Parsons' four functional imperative in his AGIL model? AGIL model में कौन सा part नहीं है? Option A, B, C, D में से. कभी भी ऐसे अगर question पूछते हैं तो not के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए. Take your time. The answer is action and interaction. देखो टॉलकट पार्सन इन्होंने फंक्शनल इंपेरेटिव का एक थ्योरी दिया था जिसे AGIL मॉडल कहा जाता है. इसमें A का मतलब है एडॉप्टेशन, G का मतलब है गोल अटेनमेंट, I का मतलब है इंटेग्रेशन नॉट इंटरैक्शन. प्लीज रीड केयरफुली. इन्होंने इंटरैक्शन दिया है. कई बार बच्चे डाउट हो जाते हैं फास्ट आंसर लिखने के चक्कर में रॉन्ग करके आते हैं. इंटरैक्शन नहीं, इंटीग्रेशन दिया था. और थर्ड है लैटेंसी. ये में एडॉप्टेशन में इकोनॉमी होता है. कोई भी चीज फंक्शन कैसे होती है इन्होंने बताया सिंपल वे में. जैसे कि एडॉप्टेशन हम कोई भी चीज़ का अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो जिंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है. तो बेसिकली एडॉप्टेशन हमको जीने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है. फूड होगा, क्लॉथ होगा, सब चीज़ें खरीद करने के लिए. तो एडॉप्टेशन इन्होंने दिया है. इसमें इकोनॉमी को हम रखेंगे. सेकेंड है पॉलिटी, गोल अटेनमेंट. कोई गोल स्टेट का हो या फैमिली का, इंस्टीट्यूशन का अटेन करने के लिए कौन सी चीज़ें काम आती है. पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर जो रहते हैं गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन जो गोल सेट करते हैं कि 2022 में इंडिया सुपर पावर होना चाहिए तो इसके लिए क्या क्या करनी चाहिए ये सेट करते तभी तो जाके इंडिया फंक्शन होता है. ठीक है, ये पॉलिटी आता है गोल अटेनमेंट. थर्ड है इंटेग्रेशन. तो ये इकोनॉमी और पॉलिटी गोल अटेनमेंट करते समय भी इंटेग्रेशन कैसे होना चाहिए इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर से. तो इसके लिए लीगल सिस्टम है. अगर आप क्राइम करेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे. तो ये क्यों है इंटेग्रेशन, क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे और फंक्शन करे अच्छी तरह से. ठीक है, और फोर्थ है कल्चरल सिस्टम जिसे हम लैटेंसी कहते हैं. तो इसमें मॉरल कमिटमेंट रहता है. इसमें कोई ये नहीं बोलता कि तुम ये नहीं करोगे तो हम आपको पनिश करेंगे. लेकिन एक कल्चरल सिस्टम है उसमें मॉरल कमिटमेंट है. जैसे कि रिलेटिव हमारे घर में आते तो हमको उनको सर्व करना पड़ता है. कहीं बुक में लिखा नहीं है कि उनको सर्व करना है बट करना पड़ता है. ये मॉरल कमिटमेंट होती है. या टीचर स्कूल में आता है तो हम खड़े रह के उनका स्वागत करते हैं. ये मॉरल कमिटमेंट है. यह कल्चरल सिस्टम में आता है. सोसाइटी फंक्शन करने के लिए ये मॉडल बहुत ही जरूरी है ऐसा टॉलकट पार्सन कहते हैं. ये लिख लीजिए पूरा, ये आपके बहुत काम आएगा. हर एग्जाम में ये क्वेश्चन टॉलकट पार्सन के ऊपर पूछते. Question number 16. Which of the following can be associated with the work of the sociologist Sharmila Rege? Take your time. The answer is masculinization of Dalit and Dalit feminist standpoint.
शर्मिला रेगे वॉज ए सोशोलॉजिस्ट फेमिनिस्ट. हर फेमस बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर. एंड सेकेंड बुक इज अगेंस्ट मैडनेस ऑफ मनु, दलित राइटर थी ये शर्मिला रेगे. ये इनका बुक बहुत फेमस है, अगेंस्ट मैडनेस ऑफ मनु. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज और नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए न्यू सोशल मूवमेंट. जो नॉट है इसको आप पढ़ते समय ध्यान रखिए. नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट का कौन सा ये पार्ट नहीं है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज लेबर मूवमेंट, सेकंड वर्कर्स मूवमेंट. एलजीबीटीक्यू प्लस मूवमेंट जो है वो अभी रिसेंटली हम देखेंगे 1975 के बाद में, और एनवायरमेंटल मूवमेंट भी 1971 के बाद से ही स्टार्ट है बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी के कौन से कैरेक्टर्स नहीं है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड कोर्शन, कोर्सिव एक्शंस. देखो लेजिटिमेसी जो है वो मैक्स वेबर ने दिया था, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर. उन्होंने थ्री टाइप का लेजिटिमेसी दिया था. वन इज ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, सेकंड इज कैरिस्मेटिक लेजिटिमेसी एंड थर्ड इज रैशनल लीगल लेजिटिमेसी. ये पॉइंट सारे नोट कीजिए, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ट्रेडिशनल लेजिटिमेशन क्या होता है, कुछ चीजें ट्रेडिशन के द्वारा हम प्रेरित होके करते हैं उसको ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी कहते हैं. जैसे कि भगवान का अगर कोई मंदिर हो तो उसके सामने हम हाथ जोड़ के माथा टेक के या गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं तो कोई बोलता है क्या कि आप वहाँ पे जाके माथा ही टेकना पड़ेगा. नहीं, ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन है हमारा, चलते आ रहा है, इसके हिसाब से हम करते हैं. ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है. तो सेकंड है चैरिस्मैटिक लेजिटिमेसी. चैरिस्मैटिक लेजिटिमेसी का मतलब है कोई चैरिस्मैटिक पर्सनैलिटी और लीडर होता है जो हमें कुछ चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है. जैसे कि हम किसी महान इंसान को या महापुरुष को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंदा, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर हो या महात्मा गांधी जी हो या गौतम बुद्धा हो, इनको इनसे हम प्रेरित होके इन्होंने जो सेइंग कहा है, इनकी जो कोटेशन है उनको पढ़ते हैं, इनके सिद्धांतों पे हम चलने का प्रयास करते हैं. ये लोग तो बोलते नहीं है लेकिन हम उनसे प्रेरित होके ये उनके जो सिद्धांत है उनके ऊपर चलते हैं, उसके उसको चैरिस्मैटिक लेजिटिमेसी कहा जाता है. और थर्ड है रैशनल लीगल लेजिटिमेसी जो इस मॉडर्न टाइम पे है. जैसे कि अपना ब्यूरोक्रेसी, कलेक्टर ने अगर एक ऑर्डर दिया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, या पीएम ने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं तो पूरे एवरी ईच एंड एवरी आदमी को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. इसे ही रैशनल लीगल लेजिटिमेसी कहा जाता है. तो लेजिटिमेसी के कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने सबसे पहले तो पूछा था, तो वो है कंसेंट ऑफ द पीपल, हाँ लोग मानते हैं इसको, ठीक है. दूसरा जस्टिफिकेशन टू एक्सरसाइज पावर, जो कोई ऑर्डर दिया है कलेक्टर ने कि आज छुट्टी है तो उसका जस्टिफिकेशन कलेक्टर के पास होता है कि ये ऐसे ऐसे लीगल इश्यूज है, लीगल ऑर्डर मेरे को आया है इसीलिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ. तो ये पूरा उसका जस्टिफिकेशन होता है उस अथॉरिटी का. और ये जो यहाँ पे दिया है थ्रेट ऑफ वायलेंस, तो वायलेंस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है लेजिटिमेसी को, और कोर्सिव एक्शन भी इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ ऑगस्ट कॉम्टे.
take your time. Correct answer is social physics and positivism. Auguste Comte, considered as father of sociology, he coined the word sociology. Firstly, Auguste Comte ने सोशियोलॉजी का जो शब्द है वो लाया था. ऑगस्ट कॉम्टे बेसिकली जो नेचुरल साइंसेस हैं उनको उनसे प्रेरित थे, इसीलिए फर्स्टली उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम रखा था सोशियोलॉजी का, लेकिन बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी उसका नाम रखा. और पॉजिटिविज्म जिसको हम साइंटिफिक रीजन कहते हैं, ये सिद्धांत के ऊपर ऑगस्ट कॉम्टे बिलीव करते थे. क्वेश्चन नंबर 20, विच one or more of the following or amongst the four type of caste stratification that Yogendra Singh conceptualized. Take your time. The correct answer is cultural universalistic, cultural particularistic. देखो योगेंद्र सिंह ने फोर टाइप ऑफ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन बताया है, जो यहाँ पर दो स्ट्रेटिफिकेशन जो है मेंशन किए हैं, तो दो मैंने इधर लिखे हैं, तो ये भी नोट डाउन कीजिए. फर्स्ट है कल्चरल यूनिवर्सलिस्टिक, सेकंड कल्चरल पर्टिकुलरिस्टिक, थर्ड है स्ट्रक्चरल यूनिवर्सलिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल पर्टिकुलरिस्टिक. थैंक्स फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इनको हम देखेंगे. थोड़ा डिटेल से आपको एनालिसिस किया, क्योंकि खाली क्वेश्चन के अगर मैं आपको आंसर बताता तो कोई मतलब नहीं रहता, तो आपके समझ में भी आना चाहिए कि क्वेश्चंस का आंसर ये जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है और किसने ये दिया है, ताकि आपको फ्यूचर में जो जब एग्ज़ाम आएगी तो आप कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे और बड़ी आसानी से एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे. Wish you all the best. Milenge next video mein. Thanks for watching my video.